पीएम मोदी को मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, राजीव गांधी जैसा हाल करने की धमकी दी थी पुलिस ने, कोची में बढ़ाई सुरक्षा। अमित शाह ने केसीआर पर किया वार, बोले तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण खत्म करेंगे, केसीआर की पार्टी का स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ। उद्धव ठाकरे के निशाने पर चुनाव आयोग, बोले चुनाव आयोग को मोतियाबिंद हो गया है, उसे नहीं दिखता शिवसेना किसकी। केरल के कांग्रेस नेता विक्टर थॉमस ने थामा भाजपा का दामन, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह का बड़ा बयान, बोले सिंधु जल संधि को दुनिया की सबसे पवित्र समझौता करार दिया। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। खबर गाजीपुर से है, जहां सुबह सपा मुखिया ओम प्रकाश राजभर अपने जिला अध्यक्ष स्वर्गीय रामजी राजभर के पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जातिवाद खत्म करने की बात कही। उन्होंने मंच से बोलते हुए कहा कि हम तो जाति विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं, हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जिस दिन सरकार तहसील से जाति प्रमाण पत्र बनाना बंद कर दे, उसी दिन जातिवाद खत्म हो जाएगी। वो बेहतर जानते हैं, हमको तो बहुत नहीं जानकारी है, वो विधायक जी को बेहतर जानकारी होगी। देखिए, आप लोग मूल बिंदु से ध्यान भटकाते रहते हैं। आज देश में बेरोजगारी, नौजवानों को बेरोजगार घूम रहा है, उसको रोजगार कैसे मिले, इस पे डिबेट या चर्चा आप लोग नहीं करते, महंगाई पर आप लोग बात नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी ने औरैया से नगर पालिका भाजपा प्रत्याशी राजकुमार दुबे को घोषित किया गया। 6 नगर पंचायत एक नगर पालिका के लिए भारतीय जनता पार्टी ने टिकट घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजकुमार दुबे नगर पालिका प्रत्याशी पद के लिए दावेदार घोषित किए गए। भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी होते ही राजकुमार दुबे का नाम सुनते ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। ढोल नगाड़े बजाते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुशी दिखाई और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। वहीं प्राइम टीवी की टीम ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख नगर पालिका प्रत्याशी पद के दावेदार राजकुमार दुबे की खास बातचीत की। जनता पार्टी ने और यहाँ से राजकुमार दुबे को घोषित किया, जो कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूँ किस तरीके से और यह जनपद में क्या मुद्दों को लेकर और यह जनपद आयोग में क्या कहना चाहते हैं। आपको भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया गया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले, जैसा मैंने अभी कहा था, सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि मुखिया से कार्यकर्ता पर उन्होंने अपना आशीर्वाद प्रदान किया। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे मुद्दे निश्चित रूप से, औरैया नगर पालिका में अभी तक एक बहाना बनाया जाता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पैसा नहीं देती। अभी तो भारतीय जनता पार्टी की 4.5 साल सरकार बाकी है। हम औरैया नगर के सम्मानित मतदाताओं से निवेदन करना चाहते हैं, उनको प्रणाम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, निश्चित रूप में औरैया नगर का चौमुखी विकास का कार्य। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता निष्ठावान कार्यकर्ता है। हम समझते हैं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर के औरैया नगर पालिका, औरैया जिले की समस्त पंचायतों का चुनाव लड़ेगी और पूरे जिले की समस्त नगर पंचायतें और एकमात्र नगर पालिका में भारतीय जनता। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने औरैया में नगर पालिका परिषद के लिए राजकुमार दुबे के लिए टिकट घोषित किया गया, वही भारतीय जनता पार्टी के लोगों में उत्साह देख लो, ढोल नगाड़ों के साथ लोग घूमते गालते नजर आएंगे। वही राजकुमार दुबे ने कहा कि क्योंकि अधूरे विकास कार्यों को पूरा करेंगे। जो भी भारतीय जनता पार्टी हमका उम्मीद है जताई, उन उम्मीदों पर मैं खड़ा उठूंगा। प्राइम टीवी के लिए जय रखते रिपोर्ट औरैया।
बुलंदशहर जिले की निकाय सीटों पर बसपा ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बुलंदशहर नगर पालिका सीट से बसपा ने आसिम गाजी की पत्नी शवाना गाजी को टिकट दिया है। आसिफ गाजी लोक दल के जिला अध्यक्ष रहे हैं और अब लोक दल छोड़कर बसपा में शामिल हो गए हैं। बता दें कि बसपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा दिल्ली रोड स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान बसपा नेता बोले, निकाय चुनावों में इस बार जीत का परचम लहराएगी बसपा। के मैं इसी जिले की बात बता रहा हूं आपको। यहां हमारे बीच में आज जो शामिल हुए हैं राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष दो बार रहे, यूथ के जिला अध्यक्ष दो बार रहे भाई आसिफ गाजी साहब, इनकी पत्नी शवाना गाजी साहब भी आज शामिल हुई हैं। राष्ट्रीय लोकदल को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है और बहुजन समाज पार्टी में इनकी आस्था है, पहले से भी आस्था थी। बड़े भाई ने आपको सबको बताया कि मुद्दे क्या रहे। एक तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, वक्त का बिल्कुल तकाजा है, सब समाज के साथ साथ मुस्लिम और दलितों को एकजुट होकर बुलंदशहर नगर पालिका पर जीत दर्ज कराने। बाराबंकी में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने से 18 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। गेहूं की फसल जल जाने से किसान करोड़ों कर बुरा हाल है। जब तक आग बुझाने वाली दमकल मशीन मौके पर पहुंची तब तक सारी फसल जलकर राख हो चुकी थी। सूचना पर पहुंचे लेखपाल अभय वर्मा ने लिखा पढ़ी कर गेहूं के हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने की बात कही है। रामनगर तहसील क्षेत्र के लोहटी जेई गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। हरदोई सांडी कस्बे के मुख्य मार्ग पर ईंट भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। बता दें कि पाली थाना क्षेत्र के भाऊपुर निवासी अपने साथी के साथ भूसा खरीदने के लिए आया था। इसी दौरान सांडी कस्बे के हीरो बाइक एजेंसी के पास ईंट भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल को इलाज के लिए CHC में भर्ती कराया है। वहीं पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। हरदोई शहर कोतवाली इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में बुलेट बाइक में आग लग गई, जिसमें पीड़ित ने पास के युवक पर आग लगाने का आरोप लगाया है। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के 52 चुंगी निवासी की बुलेट बाइक में अचानक आग लग गई, जिसको देखकर मोहल्ले वासियों ने शोर मचाया। इस पर पड़ोसियों की मदद से पीड़ित ने आग पर काबू पाया। वहीं CCTV फुटेज चेक करने के बाद उसने आरोप लगाया कि कैमरे में दिख रहे युवक ने आग लगाई और भाग गया। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। तहरीर मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। यह प्रकरण थाना कोतवाली के अंतर्गत 52 चुंगी का है, जिसमें आशीष सोनी वहीं के रहने वाले हैं। उनके द्वारा यह बताया गया है कि उनके पड़ोस के छोटू कश्यप हैं, जिनके द्वारा किसी कारणवश आके उनके बुलेट में आग लगा दी गई है। उक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा जांच और विधिक कार्रवाई की है। जो भी तथ्य उसमें आएगा उसके अनुसार कार्रवाई कराई जाएगी। सर, क्या कारण था आग लगाने का? उसी कारणों की जांच की जा रही है, उसमें जो भी तथ्य आएंगे पुलिस द्वारा कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर में 4 साल की मासूम बच्ची से रेप के बाद हत्या करने का मामला सामने आया है। आरोपी युवक नशेड़ी पड़ोसी बताया जा रहा है, जो कि शादीशुदा है। घटना को अंजाम देकर आरोपी ने बच्ची का शव को बेड के नीचे छिपाया। आरोपी के घर से बच्ची का शव बरामद और खून से सने कपड़े बरामद हुए हैं। घटना से गुस्साए कॉलोनी वासियों ने आरोपी की जमकर धुनाई की, उसके बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया। थाना प्रभारी निरीक्षक का कहना है कि दोषी को जल्द सजा दिलाएंगे। पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। पूरी घटना जनपद बुलंदशहर के कस्बा जहांगीराबाद के मोहल्ला पाठक नई बस्ती का है।
आज थाना क्षेत्र जहांगीराबाद में समय लगभग 4 बजे एक 5 वर्षीय बच्ची जो है अपने घर के बाहर खेल रही थी। 2-3 घंटे जब वो अपने घर नहीं पहुंची तो उसके माँ बाप ने उसकी खोजबीन शुरू करी। उसको ढूंढते ढूंढते वे अपने ही पड़ोसी के घर पहुंचे जो एक नशेड़ी किस्म का व्यक्ति था। वहाँ पे उन्होंने देखा कि उनकी बच्ची अमृत अवस्था में पड़ी हुई है और वह व्यक्ति भी नशे की हालत में बेहोश था। लोगों ने आक्रोश में आकर उस पे उसके साथ थोड़ी मारपिटाई भी करी है तथा उस व्यक्ति। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।